नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। फतेहपुर जिले के खागात कस्बे के रावण मैदान में स्वदेशी शिल्पोत्सव प्रदर्शनी का परमिशन कोविड 19 के अंतर्गत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दें कि प्रदर्शनी प्रभारी रमेंद्र दीक्षित ने बताया था कि हम सरकार की गाइडलाइन का फॉलो करेंगे, लेकिन प्रदर्शनी के अंदर सब उल्टा हो रहा था। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क और सैनिटाइजर को पता नहीं बातों का अंबार, हकीकत में कुछ भी नहीं। और घूम घूम कर कस्बे में अलाउस करते और खुद नहीं इस्तेमाल करते। आइए सुने क्या कहा था रमेंद्र दीक्षित ने, जो मेला आयोजक हैं। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरा मैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। काल चल रहा है, आप लोगों की गाइडलाइन क्या है? कोरोना काल में देखिए, जो प्रशासन से जो गाइडलाइन आई हुई है तो वो केवल 100 लोगों के जी जी प्रॉपर कोविड 19 को पूरा ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं देते हुए जी, मतलब थर्मल स्कैनिंग है, सैनिटाइजर है, प्रॉपर स्टेज प्रदर्शनी को सैनिटाइजर कराते हुए जी सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करवा रहे हैं और मास्क वगैरह का विशेष करवा रहे हैं जी जी।